अलवर शहर में दिन प्रतिदिन सोनोग्राफी के लिए अस्पतालों में हंगामे होते रहते हैं, कभी महिला अस्पताल में तो कभी जिला अस्पताल में। लेकिन अस्पताल के प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अस्पताल प्रशासन में ऐसी लापरवाही आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज भी जिला अस्पताल में सोनोग्राफी को लेकर हंगामा हो गया। शहर के आए हुए गाँव के आए हुए लोगों ने सोनोग्राफी के टोकन की बात को लेकर हंगामा कर दिया। बात इतनी बढ़ गई कि अस्पताल के चौकी के कांस्टेबल को जाकर मामला शांत करवाना पड़ा। बच्ची के तबीयत बहुत ज्यादा डाउन है, डॉक्टर के पास में गया। परसों के दिन जब उन्होंने एक्सरा ये लिख दिया सोनोग्राफी और खून की उनकी जांच परसों करवा गया मैं, और ये बोला कल आना। फिर मैं कल आया, कल भी मेरी व्यवस्था नहीं, कल भी बोला। कल आया मैं 6:30 बजे यहाँ पहुँचा, बोला बाबा ऐसे नहीं होगा, आप बाहर हो बाहर हो बाहर हो। फिर हम बाहर कर चलिया। आज मैं फिर आया हूँ, मैं आ गया यहाँ सवेरे 5:30-6 बजे। फिर मैं यहाँ बैठा हुआ था गेट के ऊपर, और ये बोला कुर्सी कुर्सी वालों का मैं टोकन बनाऊंगी। मैंने कहा भाई जी आप लाइन में लगाओ, हमारी बच्ची हो हम आप सभी हमारे बच्चे हैं, ये तो व्यवस्था मत करो, जो लाइन में लग रहे हैं उनका बनाओ, ऐसे नहीं जो परसों के बैठे हैं और लाइन कुर्सी पे तो आज भी आग बैठ जाएंगे। कितने दिनों से भगा डोल रहे? मैं 3 दिन से भगा डोल रहा हूँ। जो छोरे छारे होते हैं तो भाग लेते हैं, और कोई बूढ़ा बुजुर्ग है या हमारे जैसा है कोई भाग नहीं पाएगा तो उसका तो कभी जिंदगी में नंबर ही नहीं आना, उनका कभी जिंदगी में सोनोग्राफी भी नहीं होनी। फिर दिनों से परेशान हो रहे हो आप? 3 दिन हो गए। कल भी यहाँ तक दी, यहाँ पर चली वापिस चली गई, फिर आज सुबह 4:30 बजे फिर आई यहाँ, लाइन में लगी रही बाहर, का नंबर आ जाएगा। और गेट खुलते ऐसे पब्लिक भागी के एकदम सारी कुर्सी, अब वो आके कह रही है कुर्सियों वाले का नंबर है बस, और किसी का नंबर ही नहीं है।